हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यमी फूड व्लॉग। मैं आप सबके पास और एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। इसे कहते हैं पनीर कुलचा रेसिपी। तो मैंने आज इसे कैसे बनाया आप सबके साथ शेयर करूँगी, और ये बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने इसे कैसे बनाया आप सबके साथ शेयर करूँगी, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है 2 कप, और उसमें मैंने 1 चम्मच ईस्ट डाल दिया। फिर मैं दूंगी नमक जो स्वाद के अनुसार है। फिर मैं बेकिंग सोडा डालूंगी 1 चम्मच। मैंने 1 चम्मच डाला है यहाँ पर बेकिंग सोडा, और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उससे पहले मैं डालूँगी दही जो 1/2 कप है। 1/2 कप डालूँगी दही। दही डालने के बाद हम लोग इन सब को पूरा मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून। सो गाइस, हम लोग आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अभी हम लोग देंगे ऑयल, और मैंने बोला था ऑयल मैं दूंगी 2 टेबल स्पून। मैंने यूज़ किया है ऑयल 2 टेबल स्पून, और इसे अब हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी देकर अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करने के बाद एक डो रेडी कर लूँगी। ऑयल यूज़ करके मैंने अच्छी तरह से डो बना लिया है। दूसरी तरफ मैंने 200 ग्राम पनीर यूज़ किया है यहाँ पर, और पनीर को मैं ऐसे क्रश कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने पनीर को पूरा क्रश कर लिया है, और मैंने एक प्लेट में इसे मैं डाल दिया। फिर गाइस, तो पनीर में मैं 1 चम्मच चिल्ली डालूँगी। उससे पहले मैं स्वाद के अनुसार नमक दे दिया, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून डालूँगी जीरा। फिर हम लोग डालेंगे गरम मसाला, सब 1/2 टीस्पून करके है। फिर हम लोग डालेंगे गरम मसाला, फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक डालकर हम लोग इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे पनीर के साथ। सो ऐसा फिर हम लोग कोरिएंडर लीव्स दे देंगे इसमें थोड़ा सा करके। सो गाइस, तो देख सकते हैं मेरे मैदे को मैंने ढक्कन देके कुछ देर तक रखा था। फिर मैं इसको थोड़ा सा पीस ले रही हूँ। मैं इसे कुछ हाफ कर लूँगी, सबको हाफ करके कट कर लूँगी।
सो गाइस, तो अलग अलग करने के बाद हम लोग इसको एक रोटी की शेप में देंगे। तो बेलते हैं इसे, जैसे नॉर्मली रोटी बनाते हैं वैसे ही हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। और अब तक जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेसिपी आप सब लोग लास्ट तक देखना, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, तो एक रोटी के शेप को देने के बाद जो पनीर का मैंने जो मिश्रण बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको मैं सारे दिख से ऐसे मोड़ दूँगी। सो गाइस, तो मेरा एक पूरा रेडी हो चुका है। मैं ऐसे ही फिर दूसरा भी रेडी करूँगी, उसमें मैं रोटी के शेप देकर उसमें पनीर डालने के बाद हम लोग इसे सारे दिख से मोड़ देंगे। मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है, जितना मैंने बनाया था वो सब मेरा रेडी हो चुका है। सो गाइस, तो इस आटे को थोड़ा सा पीस के इसके ऊपर मैं ब्लैक जीरा डाल दूँगी, जो काला जीरा होता है वो मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, जो ऊपर दिखने में थोड़ा सा स्टाइलिश बने और बहुत ही सुंदर दिखे ऊपर से। इसे थोड़ा सा मैं रोटी के शेप में दूँगी, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप सब करना। वैसे ही मैं दूसरा कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ब्लैक जीरा डालने के बाद, धनिया डालने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा रोटी के शेप में दे देंगे। सो गाइस, तो मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है। मैं इसको पलट के पीछे थोड़ा सा मैं मक्खन लगा दूँगी। मक्खन लगाने के बाद मैं इसमें पैन में एक थोड़ा सा तेल डालने के बाद उसमें मैं ये रख दूँगी। तो ये तब तक तैयार होने दीजिए, तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। और ये वीडियो आप इतना तक देख चुके हैं, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बता दीजिए। सो गाइस, फूल रहा है, देख सकते हैं मेरा नान रेडी हो चुका है। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और मैंने गैस पर ऐसे एक छन्नी रख दिया है और उसमें मैंने नान को थोड़ा सा उड़ाने के लिए रखा है, देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है ऊपर, ऐसे ही पीछे हम लोग करेंगे। तो मेरा रेडी हो चुका है पनीर कुलचा। वैसे ही मैं बाकी सब भी करूँगी, थोड़ा सा पीछे मक्खन लगाने के बाद पैन में डाल दूँगी। सो गाइस, देख सकते हैं मेरा नान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है। सो गाइस, तो ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है मैंने। और प्लीज़ बता दीजिए आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा, और मुझे कमेंट में बताना कि आप सबने रेसिपी घर पे ट्राई करके कैसा लगा आप सबको। और अंदर देख ही सकते हैं पनीर है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पनीर कुलचा रेसिपी। तो मैं आप सबके साथ ऐसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगली वीडियो में आप सबसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो आप सबसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।